हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम मार्केट आए हुए थे, कुछ कुछ सामान लेना था। और दूसरा चीज़ ये कि गोप्रो का जो है थोड़ा सा नाइट व्यू भी चेक करना था कि इसका कैसा आता है। वैसे मार्केट तो बहुत सारा बंद हो गया अभी। अरे भाई, आराम से चल। तो अभी टाइम हो रहा लगभग 7:05 शाम के, तो अभी पता चल जाएगा इसका व्यू कैसा आ रहा, नाइट व्यू कैसा है इसका। और फ्रेंड्स, अभी मेरे को सर्दी भी हुई है, आज ही हुई है, थोड़ा सा दिक्कत है। पूरा मन नहीं कर रहा था मार्केट आने का, बट कुछ सामान लेना था, मतलब राशन का हल्का फुल्का कुछ सामान लेना था। तो फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा तो स्पीड हम चलेंगे नहीं, क्योंकि रोड जो है थोड़ा सा टूटा फूटा है और इस बाइक की थोड़ा सा हालत भी ख़राब है। थोड़ा सा क्या, बहुत हालत इसका ख़राब है, क्योंकि ये बाइक जो है पैशन प्लस 1,05,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5,394। तो इससे पहले जो था 90,000 समथिंग पे ये रिसेट हुआ था, जो कि मैं खुद से रिसेट किया था। ओके, अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे रिसेट होता है मीटर, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक वहाँ पर डाल दूँगा। तो रिसेट होने के बाद समथिंग 90,000 पे था, और 10,000 किलोमीटर तो ऐसे भी चला होगा विदाउट मीटर का, क्योंकि बहुत टाइम मेरा मीटर भी ख़राब रहा था जब से बाइक खरीदाया था। ओके, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो ऐसा कैलकुलेट करके हम अभी बता रहे थे कि 1,05,000 किलोमीटर चल चुकी है। और दूसरा नंबर ये है कि रिंग जो है तो 3 बार लगभग बदलाया है इसका, और 2 बार शायद इसका ये क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन भी चेंज हुआ है 2 बार समथिंग, या फिर 1 ही बार पिस्टन चेंज हुआ होगा। और 1 बार जो पिस्टन चेंज हुआ था, यही मतलब 2020 में चेंज करवाया था, बट वो सही से किया नहीं मैकेनिक्स। तो अब मैं इसको मैं कराऊंगा बेगूसराय में ही, आई थिंक, क्योंकि एक मेरे पहचान के ही हैं बेगूसराय में, वो बहुत फेमस हैं बेगूसराय के। तो मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा वो आदमी कौन है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक चीज़ है कि सिर्फ आपको वहाँ पे हीरो का ही गाड़ी सर्विस होती है। ओके, अगर आप बजाज ले जाते हो, TVS ले जाते हो, या फिर कोई भी और ब्रांड का बाइक ले जाते हो, तो प्रॉब्लम वो बता देंगे, बट वो ठीक नहीं करेंगे। ये चीज़ उनमें हम देखे हैं। एक बार मैं अपाची ले गया था, तो थोड़ा सा उस टाइम उसमें हैंडल का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बताया कि आप सर्विस सेंटर ही ले जाओ, इनका नाम लेना और मेरा भी नाम ले लेना, मतलब उनका नाम, मेरा नहीं, उनका नाम लेना, तो फिर सही कर देगा। ओके, तो फिर मैं वो ऐसे ही गया था, तो वो कर दिया सही। ओके, तो फिर वो सही होके चलने लगा जब मैं सर्विस करवाया था बाइक का। तब तो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था, बट आई थिंक आप लोग तो देखे नहीं होंगे। तो यही प्लान है इसका कि इस बाइक को जो है अब ठीक कराएं, ये बाइक का इंजन पूरा अब खुलेगा, समथिंग 15,000 का खर्चा आएगा इस पर। और दूसरा नंबर ये है कि शायद इसका सस्पेंशन भी चेंज होगा, आई थिंक। वैसे सस्पेंशन का एक वीडियो मैं कल बनाऊंगा इसके ऊपर। ओके, तो मैं वो एडजस्ट किया था, तो वो सही हो गया अभी सस्पेंशन। अब फ्रंट का सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक, कि ये जो है ना जंप बहुत ज़्यादा कर रहा है, लोकल मिस्त्री से मतलब ढंग से नहीं हो पाता, ठीक ना। जो जो मतलब कर दिए हो गया, हाँ भाई ये ऐसा ही होता है। अरे भाई करो, भाई करो, वो सीखो, ऐसा ही नहीं होता है। और कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि इस बाइक में सेल्फ लगवाने का। ओके, तो मैं परसों तरसों बेगूसराय गया हुआ था, जो मैं भी नाम लिया था वहाँ पे, मैं जहाँ पे सर्विस करवाऊँगा, तो उनसे मैं पूछा था कि इसमें सेल्फ लगवानी है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप सेल्फ लगवाओगे इसमें लगभग 20,000 का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपका हर एक चीज़ आपका चेंज होगा तभी काम करेगा। अगर आप ऐसे लगवाते हो, उधर उधर कट खुट करके लगवाते हो, तो फिर इसमें अब जो आपको मतलब इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो भाई मेरा एक सजेशन लो कि आप भी मत करवाओ, ठीक है ना, उससे बेटर कि मॉडिफाई करवा लो। अरे भाई अभी किक का रहने दो जमाना, जो बाइक किक से स्टार्ट हुई है वो किक में ही रहने दो, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे जो रहता है सेल्फ का चैम्बर वो चेंज होगा, इसमें सेल्फ लगेगा, बैटरी एक्सचेंज होगा, मतलब नया डलेगा उसका समथिंग 12L करके लगता है, और आपका पूरा वायरिंग चेंज होगा, मतलब बहुत कुछ चेंज होगा, आपका लगभग 20K खर्चा आ ही जाएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर सजेशन आपको अच्छा लगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर देखेंगे कहीं पर अगर हम कुछ सामान इधर उधर जुगाड़ करके सेकेंड हैंड, तो फिर मैं एक बार करवाऊँगा।
सेल्फ वाला। ओके, अगर आप लोगों को पसंद हो तो, बट अभी टाइम लगेगा उसमें, इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल हो पाएगा। ओके, तो अभी मैं फ्रेंड्स गांव में एंटर कर चुका हूँ, कुछ दूर बाद मैं ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।